हम चले हैं क्या केदारनाथ की यात्रा पे। तो यात्रा कुछ इस तरह है, तो पहले हमने जाना था 3 बजे, तो हम नहीं निकल पाए क्योंकि बारिश वगैरह बहुत हो रही थी। ये देखो सारा गीला पड़ा है। गाइस बैग वगैरह की हमने तैयारी कर ली है, सब बांध दिया है, तो ये तो भी रेडी हो चुकी है। तो गाइस इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहना, तो मम्मी का आशीर्वाद लेके यहाँ से निकलेंगे, तो आपको मिलूँगा जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट होगी, तो वैसे वैसे हम बातें करते चलेंगे। फाइनली निकलते हैं केदारनाथ की यात्रा पे, तो आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहना। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि बारिश हो गई थी रात में, तो 3:30-4 बजे तक बारिश होती रही। तो अभी थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो गया, गर्मी ख़त्म हो गई, तो बाबा केदार ने हमारी जो दुआ थी वो कबूल कर ली। तो गाइस अभी निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। बोलो हरे हरे, हरे हरे, हरे देवादी देव महादेव की, हर हर महादेव। तो गाइस अभी निकल गए हैं हम केदारनाथ की। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम हाईवे के ऊपर, यमुनानगर हाईवे के ऊपर है। तो गाइस कुछ मेरे को बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था मेरे सामने, तो आपको भी मैं चाहता था कि आप भी उस व्यू को देखो। तो गाइस देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा सामने व्यू है। तो सामने हरियाली सी है और ऊपर देखो बिल्कुल सनराइज होने में है, बादलों के पीछे से बहुत अच्छी रेज आ रही थी। तो ऐसे ही कुछ व्यूज हैं जो हम आपको दिखाते रहेंगे, हमारी जर्नी के साथ बने रहो। अभी हम मिलेंगे आपको सीधा हरिद्वार में। दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो। यमुनानगर से 30-40 किलोमीटर पहले रुके हैं, तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए अब हम खाएंगे गोभी वाला पराठा और पियेंगे चाय। तो गाइज फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, पर अभी पराठा नहीं आया, पराठा के साथ साथ ही खाएंगे इसको, पियेंगे चाय को। तो गाइज फाइनली पराठा भी आ चुकी है, अरे ये तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे ना बहुत करारा सा बना है। तो गाइज ये जो पराठा है ये 50 रुपये, चाय का भी मैंने रेट पूछा नहीं, है 50 में ये पराठा। देखो गाइस कितना करारा सा पराठा बनाया बंदे ने, तो अभी मैं खा के बताता हूँ। तो गाइस मक्खन की टिक्की भी आ गई और नीतू ने तो अपना अचार भी डाल दिया, तो मैं अचार खाता नहीं, अभी देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। यार भाई मिर्च बहुत डाली है इसमें, हैं मिर्च बहुत है, टेस्ट में नहीं देखने में। गाइस कुछ ऐसा है, बात है भाई पराठा बहुत अच्छा बना है, पर यार मिर्च बहुत डाली है, स्वाद आ रहा पूरा मिर्च का। तो गाइस खाना पीना हो चुका, हर हर महादेव।
दो कप चाय लेके, फिर यहाँ से अब हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश मतलब कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में। तो अभी ऋषिकेश पहुँच गए, फिर मिलते हैं आपको। केदारनाथ है 250 किलोमीटर रह गया। तो गाइस बहुत खुशी हो रही है, जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती जा रही है। अभी हम यहाँ रुके हैं मरीन ड्राइव के पास और यहाँ पे हम अभी मैगी खाएंगे। तो अभी मैंने ना इन लोकल जो लोग हैं इनसे पूछा है, तो यहाँ पे एक भोलेनाथ का बहुत अच्छा मंदिर है, वो रहा सामने जहाँ पे ये झंडा लगा हुआ है। तो गैज आप यहाँ पे आके देख सकते हो, यहाँ पे माथा टेक सकते हो। यहाँ पे शिवलिंग है उनके ऊपर और मतलब कि नेचुरल पानी टपक रहा है। तो अभी तो हम नहीं जाएंगे, अब लेट हो जाएंगे काफ़ी। तो अंकल मैगी की प्लेट कितने की है? मैगी की प्लेट कितने की है? 50 रुपए की। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगे आपको। अच्छा, बहुत सुकून मिलेगा आपको। अच्छा, अरे इतना अच्छा मंदिर है। ओके ओके। तो गाइस यहाँ पे आप रूपी महादेव मंदिर है, आप रूपी, तो वो रहा सामने। तो आप शिवपुरी से 7-8 किलोमीटर आ गया मरीन ड्राइव पुल के पास, ये रहा वो पुल। तो इस पुल के बिल्कुल सामने है मंदिर यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आके मतलब देखने के लिए ऋषिकेश से आगे और शिवपुरी से 7-8 किलोमीटर दूर है मरीन ड्राइव पुल के पास, जो मैंने आपको पुल दिखाया। तो आप वहाँ से एक ऐसे दुकान है, ढाबा बना हुआ है, तो यहाँ ये रास्ता जा रहा है, वो पुल से आप उस तरफ जा सकते हो। तो वहाँ मंदिर है, तो आप मंदिर में माथा टेक सकते हो। देखने के लिए कह रहे हैं बहुत सुंदर है। अगर हाँ, राफ्टिंग के लिए मेन पॉइंट है ये वाला मरीन ड्राइव के पास। तो यहाँ लोग जो आते हैं राफ्टिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको राफ्टिंग के लिए, बंजी जंपिंग के लिए, जिप लाइनिंग के लिए, तो आपको यहीं से ही शिवपुरी जो मेन है राफ्टिंग का एडवेंचर का प्लेस है। यहाँ पे पंप है, पेट्रोल पंप। यहाँ से आपको बच्चे मिलेगा। अच्छा, वहाँ मिलेगा, फिर मिलेगा पेट्रोल पंप। तो गाइस ऋषिकेश से आगे आपको पेट्रोल पंप यहाँ पे अभी नहीं मिलेगा, तो मरीन ड्राइव से आपको 20 किलोमीटर आगे मिलेगा पेट्रोल पंप। हमारी मैगी बन के आ चुकी है और मैं ये दोनों प्लेट खाऊंगी। तो मैं क्या खाऊंगा? मेरा दिमाग। तो देखते हैं खाके कैसा टेस्ट है। उसको जितनी मर्जी दे दो, थोड़ी सी मिर्च खाऊंगा ना तो बुरा हाल हो गया। तो गैस मैगी वगैरह हमारी हो चुकी है, खा ली हमने, इतना भी खा ली। अभी कुछ ये स्निकर की चॉकलेट ली है। तो अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया हमें। चलो चलते हैं आगे, बहुत दूर जाना हमें। तो गैस चलो निकलते हैं यहाँ से, हम देवप्रयाग में जाकर रुकेंगे। शौचालय की मतलब व्यवस्था है जो बहुत कम है, तो आप जब भी यहाँ हो तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह देख लेना बाथरूम के लिए, अगर आपको एक नंबर या दो नंबर जाना है तो। रास्ते में आपको कोई ढाबे पे कोई बाथरूम नहीं मिलेगा, ना ही लाइट मिलेगी, अपना चार्जिंग बैंक साथ में लेके आना, ठीक है। तो ये जो दिक्कत हमें आ रही है, तो
मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी इसको ऐसे ही मतलब सीरियसली लेके फिर ही आना, क्योंकि चार्जिंग बैंक साथ में होना चाहिए, चार्जर साथ में हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है कोई भी ढाबे भी, हाँ रेस्टोरेंट वगैरह में आपको मिल जाएगी। तो सरकारी शौचालय है ये देखो, तो आपको ऐसे शौचालय रास्ते में मिलेंगे, वो भी आपको कुछ पे करना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो बाकी जो जो मेरे को लगेगा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी हम उस जगह पे पहुँचे हैं जिस जगह को देखने का हर हिंदू का सपना है, हर उस बंदे का सपना है जो गंगा जी को प्यार करता है। तो गाइस अभी जो मेरे सामने जो दृश्य है ना, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, तो आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये फाइनली जो हमारा सपना था, अब तक इसे दृश्य को हम सिर्फ वीडियोस में ही देख सकते थे, फोटोज़ में देखा है। तो गाइस ये जो नदी है भागीरथी और अलकनंदा मिलके ये गंगा जी बन रही है। तो गाइस ये है देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती। तो गाइस सच में बहुत शांत, आवाज़ बड़ी कम है पानी की। देखो गाइस जो उधर अलकनंदा है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है। तो इधर जो भागीरथी है ये वाली, तो इसका पूरा भाव बहुत तेज है, वो बिल्कुल शांत बहती है, एक का भाव बहुत तेज है। तो गाइस फाइनली अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा जी का स्वरूप ये निकला। तो गाइस आप देख सकते हो कैसे संगम होता है नदी, दो नदियों का आपस में, और एक हिस्ट्री बन जाती है अलकनंदा भागीरथी और गंगा जी। ये चीज़ें हमने सिर्फ वीडियोस में देखी थी, फोटोज़ में देखी थी, आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम ये दृश्य अपनी आंखों से देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो बाबा केदारनाथ की यात्रा में आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। टाइम बड़ा निकला जा रहा है, हमने सोन प्रयाग पहुँचना है जल्दी से जल्दी, अंधेरा होने से पहले। तो गाइस अभी आपको देव प्रयाग में खड़े हैं हम, तो कुछ ऐसा है देव प्रयाग, पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सा शहर देव प्रयाग, जहाँ पे गंगा जी का जन्म हो रहा है। अभी हम रुके हैं गुप्त काशी में, रुके कितने बजे पहुँचे थे हम, साढ़े सात बजे पहुँच गए यहाँ पे। तो उसके बाद हमने यहीं पर ना स्टे ले लिया, हमने रूम लिया, रूम आपको दिखाऊंगा कैसा रूम लिया हमने और उसका रेट भी बताऊंगा और वीडियो के साथ। तो वैसे अभी हम रूम में नहा धो के रेडी हो गए, रेडी होके अभी लगे हैं खाना खाने, भूख बहुत लगी सुबह। तो जैसे कि हमने मैगी खाई थी, मैगी के बाद हमने कुछ नहीं खाया। तो गाइज अभी हमारी वीडियो के साथ बने रहना, तो आपको रूम का सारा समझा दूंगा कैसा रूम है, क्या है, कितने का लिया, तो आप वीडियो के साथ बने रहो, तो एंड में बताऊंगा। हमारा खाना आ चुका है दाल मखनी, और मखनी में दाल है नहीं ना, दाल में मखनी है नहीं इसमें मखनी मक्खन तो डाल दो इसमें। आज नीतू सर्व करेगी, फर्स्ट टाइम, यस फर्स्ट टाइम। टेस्ट बताता हूँ आपको कैसा है इसका टेस्ट। सर इसमें बटर तो डाल दो, मखनी भी नहीं है इसमें। ठीक है यार, नमक नहीं है बिल्कुल, तो पर नमक कम है, दाल मखनी में मखनी भी है और नमक भी कम है। मैं कह नमक कम है, नमक कम है,
गाइस जैसे भी है खा के मैं आपको करता हूँ बात बाद में। खाना पीना हमारा हो चुका है, मतलब 360 का बिल बना और मतलब पेट भर के हमने खा लिया खाना जितना हमको खाना मैंने चाहिए अभी। पर नीतू बोल रही है कि मैंने अभी फास्ट फूड खाना, अभी यहाँ फास्ट फूड के लिए देखना पड़ेगा। तो गाइस अभी मतलब अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस था, पर आज राइड बहुत लंबी होगी, कम से कम 450 किलोमीटर। सुबह 3 बजे से निकले तो पहुँचे हम कितने बजे पहुँचे, 7:30 बजे तो कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे थे। तो गाइस मिलते हैं सुबह आपको नए ब्लॉग के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।